सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं एक और द बीइंग अ फोटोग्राफर आपको दिखाऊंगा कि क्या लाइफ होती है फोटोग्राफर की। सो आई वाज डूइंग माय वर्क और मैं अभी दिखाता हूँ, मेरा काम लगा हुआ था और मुझे ऑल ऑफ अ सडन कॉल आई कि यार शूट है, और ये शूट हमारा नेक्स्ट वीक पे था, लेकिन कल रात में मेरे पास क्लाइंट की कॉल आई कि यार हम ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे ही कर लें, मॉर्निंग में, मतलब रात में बात हो रही थी। तो मैंने कहा ओके फाइन, लेट्स सी। सो ही जस्ट कॉल्ड मी एंड ही सेड कि वी गॉट द परमिशन एंड आई एम कमिंग टू पिक यू अप। सो सारी चीज़ें भी मुझे छोड़नी पड़ी और अब जल्दी जल्दी रेडी हो, रेडी तो हो गया मैं जल्दी से, और बस अभी जो मेरे काम थे पेंडिंग जो मुझे करने थे पोस्ट प्रोडक्शन वाले, वो अब इसी तरह से छोड़ने पड़ेंगे और मैं निकलूँगा बस अब जल्दी से रेडी हो के, और फिर मैं दिखाऊँगा वहाँ की जर्नी। सो स्टे ट्यून्ड। तो कहानी इस तरह की है कि शूट चल रहा है और अभी थोड़ा सा ब्रेक आया टेस्टिंग का, और उसके बाद हम जो हैं वो शूट करेंगे। मज़ीद ये मेरे पास लिस्ट है, इस लिस्ट को पूरा मैंने फॉलो करना है। इसमें 10 वीडियोस हैं शॉर्ट, और वो हमने कवर अप करनी है और उसके बाद फिर हम फाइनली फ्री होंगे। तो अभी जो है वो पहली वीडियो हुई है, और पहली वीडियो में ही काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इंटीरियर था, और उसके बाद अभी हम जो हैं वो सेकंड वीडियो जो शूट करेंगे वो एम्बियंस और उसके साथ साथ सेफ्टी मेजरमेंट्स का शूट है। सो लेट्स सी, अभी चलते हैं टेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी, फिर देखते हैं क्या है। ये हम लोगों ने एरिया बुक किया हुआ है अपने लिए और यहाँ सेटअप है। सब फोटोग्राफर लाइफ, फोटोग्राफर काम कर रहा है, टीम वाले खा रहे हैं, फोटोशूट है उसको भी, डिस्कर्डिंग को भी। नहीं ये फोटोशूट हो गया, ले आओ देख रहे हैं, ले आओ ले आओ, चल रहा, इट्स अ फोटोग्राफर लाइफ। हम दूर खड़े देख रहे हैं, हमारे टीम मेट जो हैं वो खा रहे हैं। ये दूसरी डिश आ गई, वाह सर हो गया, इट्स ओके। क्या टेस्ट क्या है इसका? व्हाट इज द टेस्ट? नवाब का सॉस डाल दिया। तो भाई चिकन में ट्राई कर रहा, मैंने अभी थोड़ा चखा, इट्स वेरी स्पाइसी एंड हेल ऑफ अ स्पाइसी। स्पाइसी नाम है, खांसी भी आ गई। बहुत ही स्पाइसी है, बहुत, ओह माय गॉड, ऑनेस्टली इट्स वेरी स्पाइसी एंड वेरी डिलीशियस, बहुत बहुत मज़े का। भाई ये भी एक और डिश आई है, दिस इज समथिंग अमेजिंग, और ये है क्या, लटकता गोश्त? लटकता नहीं, ऑफेंस हो जाएगा, लटकता, लटकता ही बोला मैंने, ठीक है लटकता यार, इसकी तो इट्स अ टिक्का, टिक्का part of the video I'm shooting right now, and we are almost done with the main videos. Now we will go for the
food shots and then then that's it. Now Fahad is having lunch right now. Fahad, you enjoying the food? Yeah, very much. Yeah. And Fatma has joined us. Hi Fatma, how are you? Enjoying the food? Yeah, of course. Yeah, that's nice. एक शॉट मैंने रोनिन से लिया और यहाँ पे मैंने ये 7200 फिक्स कर दिया ताकि यहाँ से एक मुझे टाइट शॉट मिल जाए विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. So let's try this. Lovebirds. Amazing. Very refreshing. Hello, Fat. Yeah, very refreshing taste. So refreshing. मेरी जो सुबह से अब तक की थकन थी वो एक सिप के साथ ख़त्म हो गई. ज़रार भाई, यू मस्ट ट्राई दैट. तो भाई हमने अभी जो दूसरी डिश वो की थी रिकॉर्ड वो भी आ गई है, अब उसको भी हम सर्व करेंगे. तो ये मज़ा है फूड फोटोग्राफी का, दिखाता हूँ. अच्छा ये है भाई, ये हम खाएंगे अभी मज़े से, फ्रूट्स और जान बनाएंगे. अभी एक और डिश आई, एग एंड लॉबस्टर, which is one of my favorite. Finally it's all done now, like it's finished. It was an amazing shoot, I really enjoyed a lot. Chehra dikhao bhai ka, chehra dikhao. Ye inhone bola, humne nahi bola. Aur ye footage jayegi YouTube pe, live jayegi. Aur Ben aaya to inki wajah se कि मैं अभी बस पैकअप करूँगा, थक जाऊँगा. अभी पैकअप भी अकेले करना कोई कोई भी मदद नहीं करेगा. मैं करता हूँ हमेशा. अच्छा हाँ, फार करता है, ही हेल्प्स मी अ लॉट. हाँ भाई, निकल जाते हैं टान बचा के. लेकिन खैर काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी टीम है हमारी. काम के साथ साथ इन्जॉय बहुत ज़्यादा करते हैं. खाते भी बराबर हैं, खाते भी बराबर हैं. ज़रा दिखाएँ खाएंगे क्या. ये जैन कबाब है, ये मेरे लिए कबाब कबाब, ये कबाब कबाब है, ये मेरे लिए, बाकी ज़रार भाई के लिए. So this is it. अभी हम पैक करेंगे तो घर पे मिलते हैं. तो मैं आ गया हूँ घर, और एक्चुअली ये जो पार्ट है मैं तकरीबन एक हफ़्ते बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी बिजी था. तो एक डेढ़ हफ्ते बाद मैंने ये इसको रिकॉर्ड किया है अभी. सो दिस वॉज द शूट, इट वॉज फन, मज़ा आया काफ़ी. और यही लाइफ है, इसी तरह हम लगे रहते हैं. तो ये असल कहानी, और बस ज़िंदगी का गेम ऑन रहना चाहिए. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ गेम ऑन है. गेम ऑन होने का मतलब है जो ज़िंदगी ना वो एक खेल है, तो गेम ऑन रहना चाहिए. हाँ, मेक लॉजिक. बस इसी के साथ लेता हूँ मैं इजाज़त. आप लोग ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली व्लॉग में. तब तक अपना ख्याल रखें. टेक केयर, पीस आउट.